What's up guys, Combot is here and आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ग्रैनी सिलेंडर ना सिलेंडर मैन एंड ग्रैंडपा के बारे में। इनका क्या रिलेशन है, सिलेंडर ने की ग्रैनियां क्या लगती है, सिलेंडर मैन कौन है, जो एंजेलिना है ये कौन है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। एंड आपने यहाँ पर ग्रैनी गेम तो खेला ही होगा एंड सिलेंडर ना गेम भी आपने खेला होगा, सिलेंडर मैन भी खेला होगा। तो आपको पता है ये रियल लाइफ में कब एग्जिस्ट करती धरती पर, यानी कब जीवित थे एंड कब मरे, एंड कैसे ग्रैनी एक अच्छी लड़की होती है एक चुड़ैल बन गई, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। वेल ये वाला वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये वाली स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रीपी होने वाली है। देखो यहाँ पर इस वाले वीडियो को बनाने में 10 से 15 दिन लगे हैं, मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो यार आप ना इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। देखो अभी मेरी आंखों में नींद है, यानी रात को यहाँ पर मैं 1-2 बजे जाकर रिसर्च कर रहा था वीडियो के लिए, तो आपको आंखों में नींद दिख रही होगी। तो वेल आप सब्सक्राइब एंड लाइक करना है आपको, ठीक है। वेल गाइस आपने यहाँ पर ग्रैनी गेम तो खेला होगा एंड ग्रैनी गेम काफी ज्यादा स्केरी एंड ड्रावना एंड हॉरर गेम है यार। एंड ग्रैनी गेम में यहाँ पर एक कैरेक्टर उसका नाम ग्रैनी है एंड उस प्रकार से दिखती है, बट क्या आपको पता है ये ग्रैनी कौन है एंड ये रियल लाइफ में क्या एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर मेरा जवाब है, मेरा आंसर है यहाँ पर हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ग्रैनी गेम की कैरेक्टर है जो कि ग्रैनी है, वो एक रियल लाइफ में एक विच थी, यानी कि एक चुड़ैल थी, उसके पास काफी ज्यादा शक्तियाँ थी, यानी कि वो बहुत ही शक्तिशाली थी एंड उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर थी। शुरुआत में यहाँ पर ग्रैनी एक आम इंसान थी, बट आगे जाकर ग्रैनी ने बहुत सारे विजुअल्स किए एंड विजुअल्स करके यहाँ पर उसने बहुत सारी शक्तियाँ हासिल की एंड लास्ट में जाकर वो बहुत ही खतरनाक एंड पावरफुल ग्रैनी बन चुकी थी, यानी ग्रैनी यानी विच यानी कि चुड़ैल बन चुकी थी इसी प्रकार से। एंड यहाँ पर देखो ग्रैनी की एक मिस्ट्री है, एंड मिस्ट्री क्या है वो देखो, यहाँ पर ग्रैनी का बचपन है ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी गुजरा था एंड ग्रैनी यहाँ पर एक बदसूरत लड़की हुआ करती थी बचपन के अंदर एंड उसे स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा बुली करते थे उसके फ्रेंड्स एंड इसी कारण ग्रैनी स्कूल जाना छोड़ दिया था एंड उसकी शिक्षा वहीं पर रुक चुकी थी एंड लास्ट में जाकर ग्रैनी अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है हमेशा हमेशा के लिए। बट जब बड़ी होती है तो वो जंगल के अंदर भाग जाती है अपने माँ बाप को बिना बताए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा बदसूरत थी एंड जंगल में जाकर वो मिलती है यहाँ पर ग्रैंडपा से एंड ग्रैंडपा भी दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी लगता था, तो उसने ग्रैंडपा से शादी कर ली वहां पर जाकर एंड वहां पर जाकर रहने लगी। बट कुछ समय बाद यहाँ पर ग्रैंडपा मरा हुआ पड़ा मिला वहां पर जंगल के अंदर एंड इसके कारण यहाँ पर ग्रैनी पूरी तरह टूट चुकी थी एंड उसने वहां पर बहुत सारे विजुअल्स किए एंड विजुअल्स करके यहाँ पर उसने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की एंड लास्ट में जाकर यहाँ पर ग्रैंडपा को जिंदा कर दिया। तो गाइस देखो ये तो थी ग्रैनी की स्टोरी, यानी कि ग्रैनी की स्टोरी इस प्रकार से मतलब दुखदाई स्टोरी। एंड देखो यहाँ पर भी बाद में चलकर है ना यहाँ पर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा के एक लड़का पैदा हुआ, यानी कि लड़की पैदा हुई, इसका नाम था यहाँ पर एंजेलिना। एंड आपने गेम में देखा होगा एंजेलिना वही एक स्पाइडर है जिसका मुंह होता है एंड पीछे की बॉडी स्पाइडर की तरह होती है, यानी कि ग्रैनी के अंदर आपने देखा होगा बेसमेंट के अंदर, तो वही ग्रैनी की बेटी है जिसका नाम है एंजेलिना। एंड देखो यहाँ पर इसी एंजेलिना की शादी होती है यहाँ पर सिलेंडर मैन से एंड सिलेंडर मैन एंड एंजेलिना के यहाँ पर एक लड़की होती है, उसका नाम होता है यहाँ पर सिलेंडरिना। एंड ये वाली सिलेंडरिना वही है जो कि आप सिलेंडरिना द कॉलर गेम में देखते हो, यानी कि उसी भूतिया एंड हुंटेड गेम में देखते हो जो कि एक बेसमेंट का गेम है गाइस एंड मैंने भी खेल रखा है, आप गेम प्ले देख सकते हो मेरे चैनल पर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है ना भाई, यहाँ पर सिलेंडरिना शादी करती है यहाँ पर कोफिन गाय से। देखो कोफिन गाय एक साइंटिस्ट था एंड वो मतलब वैम्पायर पर एक्सपेरिमेंट करता था एंड उसी से यहाँ पर सिलेंडरिना शादी करती है आगे चलकर। अगर बात करें यहाँ पर कि सिलेंडरिना का जन्म कब हुआ था, तो देखो यहाँ पर सिलेंडरिना जन्म हुआ था यहाँ पर 1892 के अंदर। कैसे देखो अभी जब मैं यहाँ पर सिलेंडरिना गेम खेल रहा था मुझे यहाँ पर एक फोटो मिलती है एंड उस फोटो में यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सिलेंडरिना ही है एंड उसकी स्कूल की पिक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं बट सभी के मुंह यहाँ पर ब्लर है, बट यहाँ पर सिलेंडरिना का मुंह आराम से देखा जा सकता है, यानी कि यही सिलेंडरिना है। एंड गाइस यार देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1892 में पिक ली गई है, यानी कि यह काम कंफर्म है कि भाई ये बात कंफर्म है कि यहाँ पर इसकी उम्र यहाँ पर कम से कम 10 साल है एंड 1892 में जन्मी है। एंड यहाँ पर इसकी फोटो देखकर लग रहा है कि रियल इंसान लग रही है मेरे को भाई, कोई भी चुड़ैल वुड़ैल नहीं लग रही है। बट देखो ये वाली पिक एंड ये वाली पिक इसमें काफी डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर सिलेंडरिना यहाँ पर एक इंसान लग रही है एंड यहाँ पर एक सिलेंडरिना एक विच लग रही है यानी भूत लग रही है, तो ये कैसा हो सकता है। देखो यहाँ पर है ना गाइस
ग्रेनी ने यहाँ पर सिलेंडरना को मार दिया था, ठीक है। एंड बाद में जहाँ पर कुछ विजुअल्स करके वापस से सिलेंडरना को जिंदा किया गया। एंड जिंदा करने के बाद देखो, जब किसी इंसान को मर जाता है उसको जिंदा करते हैं, उसमें बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर सिलेंडरना के चेंजेस आ गया, यानी कि सिलेंडरना एक चुड़ैल, एक विच बन चुकी थी एक इंसान से। एंड देखो यहाँ पर जब सिलेंडरना की डेथ हुई थी तो सिलेंडरना की उम्र यहाँ पर कम से कम 10 साल थी गाइस, ठीक है। एंड 10 साल के बाद में वापस से जिंदा किया गया। एंड वापस से जिंदा होने के बाद, सिलेंडरना को विच बनने के बाद, उसने कॉफिन गाय से शादी की थी। तो गाइस देखो यहाँ पर है ना, लास्ट में जाकर यहाँ पर कॉफिन गाय मर जाता है, बिकॉज वो वैम्पायर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड उसका एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है, यानी कि वही एक वैम्पायर बन जाता है गाइस। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, तो यहाँ पर सिलेंडरना का जन्म 1892 में हुआ। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि यहाँ पर ग्रेनी का जन्म कब होगा, तो भाई देखो वो कभी भी होगा हमें पता नहीं, बिकॉज यहाँ पर ग्रेनी एक विच थी एंड उसका कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो 100 साल की हो सकती है, वो 200 साल हो सकती है, वो 1000 साल की, 2000 साल की हो सकती है, उसकी कोई भी उम्र नहीं है गाइस, ठीक है। ग्रेनी अमर थी एंड अमर रहेगी। तो गाइस यार देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यार जो सिलेंडरना है ना, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, बिकॉज देखो उसका पति भी यहाँ पर मर चुका था एंड साथ साथ उसको भी मार दिया गया था, लेकिन बाद में जिंदा कर दिया गया, वो बात अलग है, बट मर तो वो भी गई थी ना। एंड यहाँ पर एक बात और कि यहाँ पर जो ग्रैंडपा है ना, वो भी मर गया था, यानी ग्रैंडपा को किसी ने मार दिया जंगल के अंदर, बट बाद में विजुअल्स करके ग्रेनी ने उसको जिंदा कर दिया। तो यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि ग्रेनी एंड ग्रैंडपा दोनों ही अमर है, वो कभी भी नहीं मर सकते हैं। तो और यहाँ पर आगे चलकर सिलेंडरना का बच्चा होता है, वो भी एक मकड़ी होता है, यानी वो भी एक स्पाइडर ही होता है, यानी कि उसका मुंह यहाँ पर इंसान की तरह होता है, बट वो एक मतलब बोल सकते हो स्पाइडर ही होता है, बहुत ही ज्यादा क्रीपी है वो। एंड जब यहाँ पर ग्रेनी ने यहाँ पर सिलेंडरना को मारा, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो मतलब गृहस्थी वो बिगड़ गई एंड यहाँ पर सिलेंडरमैन अलग जाके रहने लगा, सिलेंडरना अलग रहने लगी एंड ग्रेनी और ग्रैंडपा अलग रहने लगे। यानी कि आपने ग्रेनी गेम खेला होगा, वहां पर देखो यहाँ पर आपको टेडी बेयर मिलता है, ठीक है, वहां पर टेडी बेयर को डालते ही वहां पर सिलेंडरना प्रकट होती है। तो सिलेंडरना वो आत्मा एक मतलब बोल सकते हो सिलेंडरना कोई इंसान नहीं है गाइस, ठीक है, सिलेंडरना विच भी नहीं है, सिलेंडरना एक आत्मा है जो मर चुकी है बट वो जिंदा है वैसे भी करके, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस ये गेम है। एंड ग्रेनी के घर में जो भी जाता है वो मरता है, बिकॉज ग्रेनी का घर बहुत ही ज्यादा स्केरी है। तो होप करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। एंड मैंने यहाँ पर ग्रेनी, ग्रैंडपा एंड इस पर सिलेंडरना के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है एंड सिलेंडर मैन के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, तो आप देखना चाहते हो तो देखो गाइस, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ सभी वीडियोस के, आप जाकर देख सकते हो। एंड हेलो नीबर गेम आपने खेला होगा, जो कि बहुत ही स्केरी गेम है, जिसके अंदर अंकल होता है, बहुत ही खतरनाक अंकल वो होता है, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर स्टोरी बनाई है, बहुत ही खतरनाक इमोशनल स्टोरी है अंकल की। एंड मैंने बहुत सारे गेम्स की स्टोरी कवर की है, तो गाइस उनको देखना मत भूलना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक है मैं यहाँ पर 1000 लाइक, ठीक है, 1000 लाइक कंप्लीट कर देना गाइस, पहली बार बोल रहा हूँ 1000 लाइक कंप्लीट कर देना, हो सके तो गाइस, मुझे पता है कि इस वीडियो पर 2-3 लाइक आने वाले, बट आपको कैसे भी करके इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करना है। वेल गाइस ये था वीडियो में, बाय बाय।